नेक्स्ट क्वेश्चन uh, 2011 और 2010 में पूछा हुआ सवाल है क्वेश्चन इज अ पार्टिकल ऑफ मास इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल शेल ऑफ सेम मास एंड रेडियस ए द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट अ पॉइंट सिचुएटेड एट डिस्टेंस ए बाय टू फ्रॉम द सेंटर विल बी चार ऑप्शन दिए हुए हैं ऑप्शन है जी एम बाई ए टू जी एम बाई ए या फिर थ्री जी एम बाई ए या फिर फोर जी एम बाई ए नाउ ग्रेविटेशन uh, पोटेंशियल का सवाल है सवाल मुश्किल नहीं है लेकिन आपको इसके फॉर्मूले uh, याद होना पता होना बड़ा ज़रूरी है राइट सो से फॉर एग्ज़ाम्पल ये अपना कोई एक स्फेरिकल शेल है और यहाँ पे एक मास एम रखा हुआ है इसका मास एम है स्फेरिकल शेल का मास M है और स्फेरिकल शेल का रेडियस ए है अपने को ये बताना है कि कोई एक पॉइंट जो कि ए बाय टू के डिस्टेंस पे है इस जगह पे अपना पोटेंशियल क्या होएगा सवाल बड़ा सिंपल है तो यहाँ पे जो टोटल पोटेंशियल आएगा आपका पोटेंशियल एट दिस लोकेशन विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू मास एम इसकी वजह से पोटेंशियल मास एम और प्लस पोटेंशियल ड्यू टू आपका शेल इन दोनों का सम uh, यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं राइट सो पोटेंशियल ड्यू टू मास एम क्योंकि यहाँ से आपका इसका पोटेंशियल uh, uh, जो है ए बाय टू की दूरी पर है तो इस मास की वजह से आपका पोटेंशियल होएगा माइनस जी एम डिवाइडिड बाई ए बाई टू प्लस अपना जो पोटेंशियल आएगा uh, शेल की वजह से क्योंकि इसका इनसाइड पॉइंट है उस वजह से आपका पोटेंशियल यहाँ पे कांस्टेंट होएगा और उसकी वैल्यू होएगी माइनस जी एम बाई ए इनको जब हम ऐड करेंगे सो दिस विल बी माइनस टू जी एम बाई ए माइनस जी एम बाई ए एड करके आपका फाइनल पोटेंशियल बन जाएगा माइनस थ्री जी एम बाई ए और हमें यहाँ पर डिफ्रेंस uh, पूछा है राइट सो so, इसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड जो आएगा पोटेंशियल का दैट विल बी थ्री जी एम बाई ए सो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द राइट आंसर